असदुद्दीन ओवैसी ने तो मना कर दिया संभल लोकसभा से उतारने के लिए। अब के यहाँ पर जो फाइट रहेगी समाजवादी में जहूर रहमान वर्ग में और परवेलाल सैनी के जो है बीजेपी के कैंडिडेट उन दोनों में रहेगी संभव। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में, मैं हूँ आपके साथ अल्फराज शेख। 2024 चुनाव को लेकर लगातार मीडिया वॉइस की टीम कवरेज कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि जनता का क्या मूड है। संभल की जनता की नफ्स टटोलते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में, संभल विधानसभा के अंदर। आखिर संभल की जनता किसे अपना उम्मीदवार चुनने वाली है और संभल का कौन प्रत्याशी होगा जो यहाँ से पार्लियामेंट पहुँच कर संभल की आवाज़ को बेबाकी से उठाएगा। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते को कैंडिडेट बनाया है, जियाउर रहमान बर्क को, परमेश्वर लाल सैनी को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, बसपा ने अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। बात करें AIMIM की तो AIMIM ने भी अभी तक संभल से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। कुछ आवाम हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नौशाद। नौशाद जी, क्या लग रहा है संभल की इस बार आवाम क्या चाह रही है, किसे पार्लियामेंट में भेजने वाले? जियाउर रहमान बर्क। जियाउर रहमान बर्क क्यों वजह उसकी? मतलब अच्छे, मतलब बहुत नया चेहरा है। दादा ने तो कुछ कहना है उन्होंने, अगर पोता ही कुछ कर दे हमारे लिए तो बड़ी मेहरबानी है। इस बेस पे वोट दिया जा रहा है भाई, दादा ने करा होता तो नया चेहरा है, पोता कुछ कर दे संभल के लिए बड़ी मेहरबानी है उनकी। मतलब दादा ने काम नहीं, जो काम नहीं किया पोता से उम्मीद है काम देगा, ये काम दे जाए हमें, बस बात खत्म है। अच्छा, इंशाल्लाह काम ही देंगे, ये जियाउर रहमान काम ही करेंगे, जीतेंगे भी और काम भी करेंगे। ये लो संभावना ये है कि जियाउर जो है यंग एज का बंदा है और उनकी पॉलिटिक्स से मिली है, तो यंग एज के जो लोग होते हैं उनसे ज्यादा उम्मीद होती है। अब सपा ने उनमें विश्वास जताया, पोते को टिकट दिया है अब्बा जी के, तो उम्मीद ये है कि आगे जो पॉसिबिलिटी है उनकी जीतने की ज्यादा है संभल लोकसभा से। अच्छा, फाइट किसके, भाजपा और समाजवादी के बीच में रहेगी? असदुद्दीन ओवैसी भी अपना कोई कैंडिडेट उतारने वाले? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने तो मना कर दिया संभल लोकसभा से उतारने के लिए। अब के यहाँ पर जो फाइट रहेगी समाजवादी में जियाउर रहमान वर्ग में और परवेलाल सैनी के जो है बीजेपी के कैंडिडेट उन दोनों में रहेगी संभावना। तीसरा कोई नहीं है, दो जनों की फाइट है, तीसरा कोई नहीं है। 2014 में तो संभल की आवाम ने पार्लियामेंट में भेज दिया था बीजेपी के एमपी को, क्या 2024 में भेज? उन्हें देखा ही ना संभल वालों ने, कहा है उन्होंने तो एमपी साहब को देखा ही ना, कोई बता ही ना सकता आज तक किसी ने देखा था, उन्होंने भी कोई सच नहीं किया। आपकी क्या मांगे हैं अगर जियाउर रहमान यहाँ से सांसद बनते हैं तो क्या मांगे हैं? विकास हो जाए, विकास हो जाए, संभल रेलवे लाइन आ जाओ, हाँ कुछ कॉलेज वगैरह आ जाए, यही है बस। यहाँ से सवाल उठता है कि रेलवे लाइन पास होनी चाहिए, भाजपा के सांसद होने के बाद भी रेलवे लाइन पास नहीं होगी? देखिए विधायक जी की 33 साल के विधायक है, शहर सांसद पास करवाता है रेलवे लाइन, शहर विधायक व सांसद जी 44 साल के सांसद जी हमारे रहे, लेकिन उनके साथ एक मजबूरी थी और मजबूरी संभल के, इस संभल लोकसभा के सारे समाज के लोग सब समझ लें, उनके साथ ये मजबूरी थी कि उनकी डबल इंजन की सरकार नहीं थी। अगर सेंटर में कोई और होती थी, प्रदेश में कोई और होती थी, भाजपा के जब सांसद जीते थे उनकी तो डबल इंजन की सरकार थी ना। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार समाजवादी की थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जब भारतीय जनता पार्टी के मिले, उन्हें मिला क्या डेढ़ साल में क्या होता, तीन साल में उन्होंने 284 ट्रांसफार्मर दिए, बिजली का उपकरण हुआ, यहाँ बिजली का होता। बीजेपी ने कुछ दिया ना, समाजवादी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया संभल को, यहाँ तो सब न्यूट्रल ही रहे, पैदल ही रहे, सब बेचारे मजदूर है, मजदूरी रहे, कुछ नहीं दिया संभल ने। क्या चाहते हैं इस बार आप? अब ये चाह रहा है अगले से, ये क्या आज जियाउर रहमान आ जाए, इनसे उम्मीद है कुछ करें तो आगे की नहीं है, इन्हें चुनने की कोशिश कर रहा है और क्या है, बस जियाउर रहमान को चाह रहे हैं साहब। दादाजी कहेगा उनके, हमने तो कुछ दिया ना, लेकिन क्या देगा, अगर सरकार आए तो देगा कुछ ना कुछ, सरकार आएगी तो वहाँ कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना करे तो वो क्या करेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रजा। रजा, आप युवा हैं, आप कैसे देखते हैं, किसे चाहते हैं अपने आप सांसद चुनना? जियाउर रहमान बर। क्यों बचा उस? यो वो युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ करेंगे जी। हमें एजुकेशन चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमारा संभल के लिए कुछ नहीं करा ना विधायक जी ने न एमपी साहब ने। अच्छा। लेकिन अब वो युवा है ना, ही सोच है, हो सकता हो कर दें कुछ। आपको उम्मीद है जियाउर रहमान से? क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम इकबाल है जी। इकबाल साहब, आपको क्या लग रहा है इस बार किसे भेजने वाले हैं पार्लियामेंट में? नहीं भेजने वाले, डॉक्टर साहब के घर ही रहनी चाहिए इसे। अच्छा,
क्योंकि हमदर्दी है सब सभी लोगों से, ये नहीं कि साहब हिंदू या मुसलमान का कोई पक्ष नहीं, सब सभी लोगों से हमदर्दी है, और जो चीज़ यहाँ रही है पहले से वही चीज़ यहाँ रहनी चाहिए। अच्छा, संभल के आवाम कह रही है असदुद्दीन वैसे अपना कोई कैंडिडेट संभल से नहीं उतार रहे हैं, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ज़ियाउर रहमान को होगा? नहीं 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 होगा, ज़ियाउर रहमान नहीं, ज़ियाउर रहमान गयूर ज़ियाउर रहमान बढ़िया नेता है, अच्छा नेता है, हाँ ज़ियाउर रहमान ही पहुँचेंगे पार्लियामेंट। क्या उम्मीद है, क्या तवक्को है आपकी, क्या उम्मीद ऊपर खड़े उतरेंगे ज़ियाउर रहमान? अरे खड़े ही हैं वो, खड़े उतरेंगे क्या, खड़े हैं वो, खड़े हैं उतरेंगे क्या, खड़े हैं वो ज़ियाउर रहमान। आपके क्या मुद्दे हैं जो आपके मुद्दे बस पार्लियामेंट में जाकर उठाएंगे? वो मुद्दे तो बीजेपी भी कोई पूरे ना कर रही किसी के, जो वो करेंगे बेचारे पूरे, जब वो सत्ता में ही ना तो वो क्या पूरे करेंगे, बीजेपी तो सत्ता में, वो सत्ता में पूरे नहीं कर पा रही अपने अभी तक, बताइए। तो ये संभल की आवाम है, इनका कहना है कि जब बीजेपी सत्ता में है वो यहाँ के मुद्दे पूरे नहीं कर पा रही है, तो विपक्ष में बैठकर ज़ियाउर रहमान बर क्या मुद्दे को पूरे करेंगे? आपकी क्या कुछ राय है संभल की आवाम की ये रिपोर्ट देखने के बाद में, क्या लगता है 2024 में संभल से कौन सांसद बनकर पार्लियामेंट में पहुँचेगा और संभल की जनता की आवाज़ वहाँ जाकर बुलंद करेगा? आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस अल्फराज शेख के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।